अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज जा रहे हैं हैदराबाद कज़न की शादी के लिए। तो पीछे गाने पे चल में शादी वाले, तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट दिस जर्नी। ये यहाँ हम रुके हुए हैं, कज़न का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो गाड़ी लाने वाला है, दन फिर हम यहाँ से जाने वाले हैं। तुम बस फंस गई हो, वापस नीचे आ जाओ। पागल हो चलो बस पेड़ की जान छोड़ दो, अब आप मैं नहीं खींच रही तस्वीर, तस्वीर नहीं है ये। और यहाँ ये पेड़ की जान ही नहीं छोड़ रही, उसके ऊपर लटक ही रही है। पेड़ की जान छोड़ दो, झूले पर कपड़े यहीं पे गंदे हो जाएंगे सारे। तो अब हम ये पहुँच गए हैं हाईवे पर, तो यहाँ पे बाय बाय कराची। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और जब होती हूँ दूर का सफ़र, तो रास्ते में खाना पीना तो चलता रहता है। तो यहाँ पे खाना पीना भी चल रहा है, नज़ारे भी चल रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं अपनी गाड़ी में मज़े करते हुए। और मतलब बहुत मज़ा आया था क्योंकि हैदराबाद मैं नहीं गई थी कभी और ये रास्ते इस तरह से कभी नहीं देखे थे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था ऐसा जाने में। बाकी का पता नहीं, दोबारा पता नहीं है, सब देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं पेपर से एक दिन पहले हैदराबाद गई थी और उसके नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, सिर्फ और सिर्फ ये सब एंजॉय करने के लिए। और ये मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा सब एंजॉय करती है, उसको कहीं भी खड़ा कर दी है, डांस करना स्टार्ट कहीं भी कर सकती है, मतलब कहीं भी। यहाँ पर रुकी थी गाड़ी थोड़ी देर के लिए और बस मैंने उतर के स्टार्ट कर दिया था अपना फ़ोटो शूट, क्योंकि मुझे तो कहीं भी जगह मिल जाए मुझे तो फ़ोटो शूट करना होता है। तो बस यहाँ पे जैसे ही गाड़ी रुकी और हमने शुरू कर दिया फ़ोटो शूट, और फिर हम लोग निकले वॉशरूम की तलाश में। तो यहाँ कुछ बहुत गंदा सा वॉशरूम मिला था, तो इसको हमने मिस कराया और हम दूसरी तरफ चले गए। वहाँ पर थोड़ा ढंग का वॉशरूम था पेट्रोल पम्प के साथ, तो अभी उधर जाते हुए हम और उधर जाएंगे, फिर उधर इधर वॉशरूम जाएंगे। और हमारा तो काम ही यही है कि हम सिर्फ अपना मोबाइल निकाल के शुरू हो जाते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मतलब धूप भी इतनी ही तेज़ थी और हवा भी इतनी ही तेज़ थी कि मतलब क्या ही बंदा बोले गर्मी के बारे में। तो और अब यहाँ इस होटल पर हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और वाकई में चाय बहुत महंगी है। उसके बाद हमें इस होटल पे मिल गए थे झूले, और फिर हम सब हो गए थे पागल झूले झूलने के लिए और पहुँच गए थे झूला झूलने। और ये वीडियो मेरी मम्मा ने मेरे लिए रिकॉर्ड की थी, और मेरे बाद मेरी मम्मा भी झूले पर बैठी थी। तो ये मेरी मम्मा झूला इंजॉय करते हैं, मतलब मेरी मम्मा दीवानी है इस झूले की, जहाँ भी मिल जाए मम्मा झूल लेंगी। तो ये मम्मा अपना इंजॉय करते हुए, तो बहुत मज़ा आया इस होटल पर रुक के। तो चाय भी पी ली, चाय भी मज़े की थी, उसके बाद झूले भी झूल लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी भी झूलना है, लेकिन अब वापस भी तो जाना है, उस बेचारे की शादी लेट हो रही है। तो दोबारा चलते हैं गाड़ी में।
सो फाइनली वी आर इन हैदराबाद नाउ. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोगों को लगे हैं 4 घंटे, क्योंकि मे बी हम लोग 3 बजे निकले थे और अब कोई 6 बजने का वक्त हो रहा है. तो या 3 घंटे 4 घंटे ऑलमोस्ट हो भी है. तो फाइनली इन हैदराबाद, तो आगे देखते हैं क्या होता है. सो फाइनली हम पहुंच गए अपने मंजिल मकसूद पर. सो फाइनली जिस काम के लिए आए थे वहां पहुंच चुके हैं और यहां पर हो रहा है निकाह. तो मिलते हैं निकाह के बाद. मैंने आपका निकाह फराह खान बिनते मेराज खान के साथ गवाहों की मौजूदगी में कराया और मेहर की रकम सिक्का राजू मुल्क 25,000 रुपये है कुल मौजूद. क्या आपको ये निकाह कबूल है? शारिक अहमद बिन मुनवर अहमद, मैंने आपका निकाह फराह खान बिनते मेराज खान के साथ गवाहों की मौजूदगी में मेहर की रकम सिक्का राजू वक्त पाकिस्तानी मुल्क 25,000 रुपये है कुल मुअज्जल. क्या आपको ये निकाह कबूल है? शारिक अहमद बिन मुनवर अहमद, मैंने आपका निकाह फराह खान बिनते मेराज खान के साथ गवाहों की मौजूदगी में मेहर की रकम सिक्का राजू वक्त 25,000 रुपये है कुल मुअज्जल. क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी गवन निकाह हो गया, खाना हो गया और अब वक्त है रुखसती का. तो हो गई है रुखसती और बस फिर हैदराबाद गए, शादी हुई और रुखसती हुई और इसके बाद हम वापस कराची आते हुए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें. अगेन सब्सक्राइब कर दें.